देश दुनिया के इतिहास में 15 अगस्त का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। फ्रांस के सैन्य अधिकारी और राजनीतिज्ञ नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म आज ही के दिन 1769 में हुआ था। आज ही के दिन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग सिविल और आपराधिक अदालत बनाने का फैसला लिया था। 1854 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया रेलवे ने कोलकाता से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में शुरू हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी, कवि, विद्वान, योगी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान दार्शनिक अरविंद घोष का जन्म आज ही के दिन 1872 में हुआ था। आज ही के दिन 1907 में स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खां का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार तथा संपादक हंस कुमार तिवारी का जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ था। चाचा चौधरी का कार्टून चरित्र बनाने वाले प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा का जन्म आज ही के दिन 1938 में हुआ था। आज ही के दिन 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस दिन को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 में आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज ही के दिन 1947 में रक्षा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किया गया था। उत्तराखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री और एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म आज ही के दिन 1959 में हुआ था। आज ही के दिन 1982 में राष्ट्रव्यापी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। 1990 में आज ही के दिन भारत में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। आज ही के दिन 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्लामाबाद स्थित अपने सूचना केंद्र को बंद किया था। भारतीय राजनीतिज्ञ और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी का निधन आज ही के दिन 2004 में हुआ था। आज ही के दिन 2004 में वेस्ट इंडीज टीम के धाकड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा ने सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। 2008 में आज ही के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद भवन परिसर में स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।